मैं अनुरोध करूंगा अपने मंत्री जी से कि पहले वो ब्रीफ करें, उसके बाद हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन जरूर लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई और जिसमें 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा निर्णय है कि 40 लाख लोग जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं उनको मालिकाना हक देने का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उसकी जानकारी बाद में हरदीप पुरी जी देंगे। दूसरे निर्णय में आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से अटकलें लग रही थी BSNL और MTNL, इनको डिसइन्वेस्ट किया जाएगा या वो बंद हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने एक अहम फैसले में इसको बहुत बड़ा मजबूती देने का एक निर्णय लिया है जिसकी जानकारी रविशंकर प्रसाद जी आपको देंगे। रबी के फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP ये बढ़ा दिए गए हैं और गेहूं के लिए 85 रुपए की वृद्धि हुई है, लागत मूल्य से अब 109% ज्यादा कीमत गेहूं के लिए दिया है। जौ का कीमत अब 1525 होगी, यानी फिर 85 रुपए की बढ़त है। चने में 4875 दाम है, यानी 255 की बढ़त है। मसूर में 4800 दाम दिया है तो 325 की बढ़त है। सरसों में 4425 दर दिया है तो 225 की बढ़त है। और करड़ी में 5215 रिकॉर्ड भाव दिया है जिसमें 270 की वृद्धि है। तो अब 50% से लेकर 109% तक लागत मूल्य से ज्यादा कीमत सरकार ने दी है मुनाफा ऐड करके, तो ये किसान की आय दुगने करने के लक्ष्य में एक बहुत बड़ी सहायक भूमिका करेगी। किसान को न्याय मिल रहा है और उसके पास खरीदने के लिए भी और बचत के लिए भी पैसा होगा। किसान सम्मान योजना के 6000 रुपए 8 करोड़ किसानों को मिल चुके हैं, मिलना किसी को एक हफ्ता मिला, एक किसी किस्त मिली, किसी को 2 किस्त मिली, किसी को 3 किस्त मिली है, तो ये हो रहा है। तो किसान के हाथ में पैसा देना ये महत्वपूर्ण बात थी। और MSP का जो फॉर्मूला सरकार ने स्वीकार किया था कि लागत मूल्य के ऊपर 50% तो वो दे रहे हैं और इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसका लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। चौथे एक निर्णय में एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का निर्णय हुआ है कि अब पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स दूसरी कंपनियां भी खोल सकती है। उससे दूसरी कंपनियां, यानी अभी तो सरकार न्यू प्लेयर्स यानी नई कंपनियां भी शुरू कर सकती है और उसमें बहुत सारे आपको प्रेस रिलीज भी मिलेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल और बाकी फ्यूल, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल चार्जिंग भी है, LNG भी है, CNG भी है, तो ये सब मिलने के लिए ये पेट्रोलियम का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और उसमें निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उससे उत्पादकता बढ़ेगी, ग्राहक को ज्यादा चॉइस मिलेगा और एक गुणों की प्रतिस्पर्धा होती है वैसे रहेगी सर्विस की प्रतिस्पर्धा, तो ये सुनिश्चित करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सभी मानकों पर ये निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है, ये एक बड़ा सुधार है। तो ऑथराइजेशन टू मार्केट ट्रांसपोर्टेशन ये उसका फैसले का नाम है और ये बाकी डिटेल्स आपको मिलेंगे, ये भी महत्वपूर्ण फैसला है, इसका उपयोग होगा और इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा, व्यापार ये भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। 5वें निर्णय में इंडियन आईटी
बीपी जो है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस, इसके और एक केडर रिव्यू करने का निर्णय हुआ और ए दर्जे के 60 पोस्टों का निर्माण किया जाएगा। 2001 में पहले केडर रिव्यू हुआ था पिछला, उसको 18 साल हुए। उस समय आईटीबीपी के 32,000 पुलिस होते थे, आज 88,000 पुलिस है, 88,000 आईटीबीपी फोर्सेस। और इसके लिए दो यूनिट करना मुनासिब समझा और इसके लिए ये रिव्यू ऑफ ग्रुप ए जनरल ड्यूटी एग्जीक्यूटिव एंड नॉन जीडी केडर ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ऐसे दो केडर रिव्यू का मतलब है। और उसमें दो यूनिट बनेंगे, ज्यादा पोस्टें बढ़ेगी और इससे आईटीबीपी के काम में सहजता आएगी, आईटीबीपी के काम में ज्यादा निगरानी अच्छी तरह से हो सकती है और आईटीबीपी के काम की एफिशिएंसी कार्यक्षमता और बढ़ेगी। और इसलिए ये निर्णय भी महत्वपूर्ण है। अन्य तीन निर्णय तो एमओयूज थे और उसके लिए उसके अलग से प्रेस रिलीज दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे द मेजर डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अबाउट गिविंग ओनरशिप राइट्स टू ऑल दोज लिविंग इन unauthorized colonies. Nearly 40 lakh people will benefit from it in Delhi. The fate of BSNL and MTNL, people were doubting what will happen, but government has decided to reinforce them. And Ravi Shankar Prasad and Hardeep Puri ji will tell about both these decisions. Government has increased the Rabi minimum support price for practically all edible oil and all dalan and tilan, dono ka paisa badha hai. And then about petrol, a major decision has been taken to give authorization, granting authorization to market transportation fuels. Ye ek bada faisla hai. This is big reform in petroleum sector which will increase investments, employment, service, ease of doing business and also give a choice to customers and make a competition of service. And last but not least, government has decided to form two units of ITBP, the cadre review which creates new post, and as the number of ITBP has gone up to 88,000 and therefore in last 18 years this review was not done, now this is being done. And this will help improve the efficiency as well as it will improve the working methodology of all ITBP forces. This was demand of the forces and government has already done this. That is what BSNL is saying. Ha, petrol wala samjhata hu. I like. Last pe question lega, samjha dunga sabko. Ha, ek minute nahi, lekin itna hi samjhata hu. Baki see. The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister, has approved review of guidelines for granting authorization to market transportation fuel. To market transportation fuel means petrol, diesel, CNG, LNG, battery charger also comes into that, because transportation ka jo fuel hai, usko market karne ka jo authorization hota tha, pehle keval unhi ko tha jinke ऑयल के वेल्स है, जिनका रिफाइनरी है, उन्हीं को मिलता था। अब वो किसी भी कंपनी जो शुरू करना चाहती है रिटेल आउटलेट्स, उनको दिया है, ये उसका जिस्ट है। नो, आप बाद में पहले ये दोनों महत्वपूर्ण निर्णय जो है, तो रविशंकर प्रसाद जी, ओवर टू रविशंकर प्रसाद। जस्ट टू सप्लीमेंट व्हाट प्रकाश जी सेड ऑन द फ्यूल पार्ट, the important component of decision is 5% outlet must be opened in the rural areas. We shall be identified by the government. ₹250 crore ab aapka turnover hona chahiye. To ye pure ilake ko middle level players bhi isme aaye, distribution mein iski koshish hai. Mitro, BSNL aur MTNL ke bare mein
हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है, दीज आर स्ट्रेटेजिक एसेट ऑफ इंडिया। ये भारत के बहुत ही नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण एसेट्स हैं। आपको मालूम है कि जब नेपाल में भूकंप आता है, कश्मीर में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में बाढ़ आती है, उड़ीसा में बाढ़ आती है, तो सबसे अधिक इसमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड बीएसएनएल का होता है, फ्री सर्विस बाकी का जानते हैं। कश्मीर में भी ऑपरेशनल लेवल में बीएसएनएल की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे जो हमारे आर्मी का नेटवर्क है वो बीएसएनएल मेंटेन करती है, और जो बैंकों का नेटवर्क है उसमें अधिकांश में बीएसएनएल की भूमिका होती है। एमटीएनएल इज एक्टिव इन मुंबई एंड दिल्ली। तो पहली बात यह है कि नाइदर बीएसएनएल एमटीएनएल इज बीइंग क्लोज्ड नॉर इज बीइंग डिसइन्वेस्टेड नॉर इज बीइंग हाइव टू एनी थर्ड पार्टी। ये पहली बात हम बताना चाहते हैं, नहीं से हम बंद कर रहे हैं, नहीं से बेच रहे हैं, नहीं से डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। हम इनको कॉम्पिटिटिव करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म लाना चाह रहे हैं। तो जो हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें की हैं, जो विस्तार से आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा, पहली बात तो यह है कि 15,000 करोड़ का सॉवरेन बॉन्ड रेज किया जाएगा, जिसको सर्विस बीएसएनएल एमटीएनएल करेंगे, नंबर एक। दूसरा, 4G स्पेक्ट्रम इनको हम एलोकेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली अपॉन द 2016 प्राइस। यहां मैं उसको लंबा नहीं बोलूंगा, संक्षेप से, इतिहास में बीएसएनएल के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। 16-17 में भी इसको हम लोगों ने एबिटा पॉजिटिव किया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाया था, फिर बाद में जो 4G का एब्सेंस था, बाकी था, तो उससे कुछ गड़बड़ियां आई हैं। तीसरी बात यह है कि इनके पास जो एसेट्स है, तो लगभग हम 38,000 करोड़ के एसेट्स को मोनेटाइज करेंगे। एसेट्स वर्थ 38,000 करोड़ वी आर गोइंग टू मोनेटाइज इन द कमिंग 4 years। 4G स्पेक्ट्रम मोनेटाइजेशन, 15,000 करोड़ सॉवरेन बॉन्ड्स। तीसरी बात यह है कि हम बहुत ही अट्रैक्टिव VRS पैकेज लेकर के आ रहे हैं, और वो VRS पैकेज इतना अट्रैक्टिव है, और मैं बहुत सारे अपने यूनियन का अभिनंदन करना चाहूंगा, उन लोगों ने स्वयं आगे आकर कहा कि इसे जिंदा करिए और VRS लाइए, हम सहयोग करेंगे। तो इस VRS का सिर्फ एक एग्जांपल दूं कि अगर किसी ऑफिसर कर्मचारी की उम्र 53.5 साल है, तो 60 साल तक उसे 125% सैलरी पेंशन ग्रेच्युटी मिलेगी। If an employee is 53.5 years, if he opts for the VRS until the age of 60 years computed, the salary, the pension, the gratuity will be 125%. और बाकी फिर उसके नीचे का उसी के अनुसार होगा। तो हमने बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज दिया है, जिसे हम VRS कहते हैं। और VRS में हम एक बात बताना चाहते हैं कि VRS means voluntary, it will not be a forced one, but हम इसको voluntary लेकर के जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतना बढ़िया पैकेज है, क्योंकि यहां हमें यह बताना जरूरी है कि अगर हमें देश के इस स्ट्रैटेजिक एसेट को कॉम्पिटिटिव बनाना है, तो जहां बाकी टेलकोस का ह्यूमन रिसोर्स खर्चा सिर्फ 5% है of their employee strength, इन दोनों bodies का almost in the region of 70% plus है। तो इसीलिए हमको लगा, और हमने सारे जो चर्चा की तो इसको लेकर के हम आए हैं। Government of India ने, we are really appreciative of the Government of India's initiative, कि Government of India will be putting in 29,937 crores 29,937, that means close to 30,000 crores, which will be on account of ex-Gratia
and 12,678 on because of pensionary benefit. क्योंकि पत्रकारों को मालूम होगा कि पेंशन देने का ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये रूल्स में प्रोविजन है. इसके अलावे जो स्पेक्ट्रम आएगा उसका जो जीएसटी होगा 4000 करोड़, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजटरी प्रोविजन से फिक्स करेगी. बजटरी प्रोविजन से उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पे फॉर इट. दूसरी मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एडजस्टिंग इट कहने का मतलब यह है फ्रॉम द बजटरी प्रोविजनिंग. मित्रों इसी कड़ी में, रिवाइवल की कड़ी में जो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को मर्ज करने जा रहे हैं. बीएसएनएल एमटीएनएल को अब हम एक दूसरे में मर्ज करने जा रहे हैं या एमटीएनएल को बीएसएनएल मर्ज करेंगे. लेकिन तुरंत मर्जर नहीं हो सकता, कुछ समय लगेगा क्योंकि आपको मालूम होगा कि एमटीएनएल एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स हैं, उनको ऑफलोड करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस हैं, तो समय लगेगा. तब तक एमटीएनएल विल एक्ट एज अ सब्सिडियरी ऑफ द बीएसएनएल. ये सो हम जब चीजों को फास्ट ट्रैक करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दो वर्षों में बीएसएनएल विल बिकम एबिटा पॉजिटिव और आने वाले दो वर्षों के बाद ये पूरे प्रॉफिट में आ जाएगा. हम बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री जी का टेलीकॉम मंत्री के रूप में धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्ट्रैटेजिक एसेट को समझा. और चूंकि इसमें कई और फैसले लेने वाले हैं इसलिए एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे जो इसके लिए हर बार कैबिनेट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग फैसले करते जाएंगे. तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस of the extraordinary revival package of BSNL MTNL. और आज के दिन मैं BSNL MTNL के कर्मचारियों से अपील करूंगा कि जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने इतना लिबरल फॉरवर्ड लुकिंग उनके लिए पैकेज लाया है तो सभी उत्साह के साथ इन दोनों ऐतिहासिक संगठनों को मजबूत करेंगे, प्रोफेशनल करेंगे, कॉम्पिटिटिव बनाएंगे. धन्यवाद. One minute. Questions we will take. Afterwards, let Hardeep Puri also speak on बहुत जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि दिल्ली के 40 लाख जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, नागरिक है हमारे, उनको जहां रहते हैं वो जमीन चाहे निजी हो या सरकारी हो उसको मालिकाना हक को उनको मिलने का फैसला हुआ है. तो उसके बारे में हरदीप पुरी जी. प्रकाश जी थैंक यू वेरी मच. आपको जानकारी होगी कि 1947 में दिल्ली की जनसंख्या जो थी 8 लाख थी. पार्टीशन के बाद 11 लाख और रेफ्यूजीज आए, मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स परिवार समय. आज दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन की जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक है. समय फ्रॉम टाइम टू टाइम ये डिमांड आई है कि जो लोग एज अ रिजल्ट ऑफ रोबस्ट ऑटोनोमस अर्बनाइजेशन जो बाकी शहरों से यहां आते हैं या ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में आते हैं और जहां पे उनको रोजगार मिलता है वहीं बस जाते हैं और एक किस्म की अनऑथराइज कॉलोनीज आ जाती हैं, इनके बारे कुछ किया जाए. The last attempt was made in 2008. 2008 में Delhi Development Authority DDA they drew up some regulations with the approval of the Union Cabinet. और 11 साल 2008 के बाद the government of the National Capital Territory of Delhi, जो state government है, they have been engaged in the task of either regularizing these colonies or doing something to ameliorate the living conditions there. Because the reality is, in colonies mein unsafe structures ban gaye hain. Aur kyunki ye unauthorized hain, koi kendriya sarkar ki taraf se koi unko facilities ya suvidhaen dene mein mushkil padti hai. Ye colonies kai jagah mein hain, jaise Delhi ke शहर के आउटस्कर्ट्स में नजफगढ़, कंजावाला, नरेला,
जहां से बाकी जगह से नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद से लोग आके करते हैं। मुझे प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया था September 3, 2017 को, और 2017 सितंबर से अभी तक लेके मैंने कई अटेम्प्ट्स किए हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको इंकरेज करें कि वो कुछ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करने में और इसको बात को आगे बढ़ाने में। एक हाईकोर्ट की अध्यक्षता, हाईकोर्ट के डिसीजन से एक कमिटी भी फॉर्म हुई थी जिसकी अध्यक्षता हमारे मंत्रालय में जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में। जब उन्होंने काम इस पे शुरू किया तो दिल्ली सरकार ने कहा कि उन्हें 2 साल और चाहिए। जब हमने देखा 2018 में कि तो ये 2021 तक समय मांग रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिल्ली सरकार इस पे कुछ नहीं करेगी। सो वी डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द इनिशिएटिव। एंड जो जावड़कर जी ने बताया आपको अभी कि दिल्ली में जो ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी में मेरे हिसाब से 40 लाख से अधिक है, द एक्चुअल पॉपुलेशन में बी क्लोजर टू 50 लाख rather than 40 lakhs, and I'm basing myself on the feedback that I get. They live in unsound structures where there have been all kinds of complications. We are not in a position to provide facilities. Aur akhir mein jan GNSTD sought time up to 2021 even to carry out the basic exercise of delineation of boundaries. क्योंकि हमने उनसे यह कहा था कि आपने एक्सरसाइज जल्दी खत्म करिए कि हम इस इशू को आगे ले जा सके। तो हमें जब इन्होंने बताया कुछ महीने पहले कि जिस कंपनी को इन्होंने इंप्लॉय करना है टू कंप्लीट दिस टास्क ऑफ डिलिनेशन ऑफ बाउंड्रीज, वो कंपनी अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुई। दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू मूव अहेड। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आई हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद दिस मिनिस्ट्री, बट आप दिल्ली का 1947 के बाद इतिहास देखिए, आई थिंक ये जो निर्णय लिया गया है इट इज द मोस्ट फार साइटेड प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट हैज बीन टेकन। व्हाट इज इलीगल और अनऑथराइज्ड कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड इन द कन्वेंशनल वे। सो द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग डिसीजंस दैट ओनरशिप राइट्स विल बी कन्फर्ड टू द पीपल हु आर लिविंग देयर, वेदर दे आर लिविंग ऑन प्राइवेट लैंड और ऑन गवर्नमेंट लैंड, because many of these transactions have taken place on the basis of general power of attorneys or some other documentation. But not only have we decided to go ahead and confer these rights, which will enable the inhabitants of these colonies to apply for permission, to raise the FAR, to build, to sell, all manner of transactions. Take loan. Because if you go to a financial institution, a bank, and ask for a loan to build, let's say, or to construct, and the person asks you where is your tenement, you say it's an unauthorized colony, the discussion stops there. So not only to do that, but having regard to the fact that most of these inhabitants belong to the low income groups, these rights will be confirmed on the payment of nominal rates. Ye nominal rates kya hai? Agar to प्लॉट साइज हो 100 स्क्वायर मीटर से कम का तो द रेट चार्ज विल बी 0.5% ऑफ द सर्कल रेट, जो भी सर्कल रेट उस एरिया का है उसका 0.5%। 100 से 200, अगर 100 से 250 स्क्वायर मीटर का हो या ग्रेटर हो, अगर 250 से ऊपर तो रेट विल बी प्रोग्रेसिवली 0.5%, 1% या 2.5%। तो हमने कैलकुलेशन शीट्स आज इनफॉर्मली कैबिनेट के मीटिंग की प्रेपरेशन में जो हमने की थी, जो उनको देना पड़ेगा चार्ज इज वेरी नॉमिनल। सो दिस इज इन वन स्वीप ऑल द रेजिडेंट्स, वेदर देयर आर वेकेंट प्लॉट्स और देयर आर कंस्ट्रक्शंस ऑन गवर्नमेंट लैंड और ऑन प्राइवेट लैंड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो हो, so this will be effected and the work will start immediately. I want to clarify, isme jo humne pehle identify ki thi usme 1797 aisi
unauthorized colonies thi. These 1797 colonies do not include 69 affluent colonies, and they also do not include those colonies which could be said to be falling under forest land, protected land, under the master plan, jinko sab aap mila lein, ye jo affluent colonies hain ya forest land wali hain, batao unke naam bhi bata dunga, unpe ye bahut mashhoor naam hain, usme aisa hai, teen to hain ye सैनिक फार्म, अनंतराम डेयरी, मैं इनको सब मालूम है, पर मेरे पास पूरी लिस्ट है, जिसको भी चाहिए हो मैं करूंगा। अच्छा, अब आप ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, उनको क्यों नहीं किया? मेरा उसका माय आंसर क्वाइट सिंपली इज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट इज टू फर्स्ट डील विद द इशू ऑफ दोज हु बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लोअर इनकम ग्रुप्स जो इन 1797 में रह रहे हैं, एंड वी विल एड्रेस द इशू ऑफ दोज 69 कॉलोनीज 66 जो आइडेंटिफाइड है उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, और तीन जो ऐड की है रविशंकर जी जो बता रहे हैं। सो दिस इज द ब्रॉड स्कीम। इसमें लिबरल डेवलपमेंट कंट्रोल नॉर्म्स विल बी प्रोड्यूस फॉर सच कॉलोनीज बाय द डीडीए, और इसमें इंसेंटिवाइज होगी रीडेवलपमेंट। मैं सिर्फ इस समय यही कहना चाहूंगा, और देखिए बाकी हमने दिल्ली के बारे जो फैसले लिए हैं, लैंड पूलिंग, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर, सर्टनली दोज हू फॉलो माई ऑन द बीट ऑफ माई मिनिस्ट्री, जिसके तहत कोई 17 लाख आवास बनेंगे, इसमें 40 लाख से अधिक हमारे नागरिकों को ये राइट्स कन्फर होंगी, और अगले आने वाले दिनों में हम कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे। सो आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू दिस फॉर द मोमेंट। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि जब हम फ्लॉलेस ओनरशिप फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी दे रहे हैं, आपको इस बात को समझिए आप, रेगुलराइजेशन इज नॉट ए पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव ओनरशिप टू दोज हु हैव बीन सफरिंग। आज वहां पर पूरे हाइजीनिक कंडीशंस होंगी, सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, सीवर ले डाउन होगा, पार्क की पोजिशन आएगी, तो ये रीडेवलपमेंट होगा, और प्लस जो उनको लोचा बताया हरदीप जी ने कि लो कॉस्ट स्टैंप ड्यूटी लगेगी, तो इनकम टैक्स का उनको हम शेल्टर भी देंगे, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, ताकि ये नहीं कहे कि कमर्शियल रेट पे हम उनसे टैक्स लेंगे, तो वी शैल आल्सो बी गिविंग देम इनकम टैक्स कवर सो दैट दे गेनफुली इंजॉय देयर न्यू ओनरशिप स्टेटस। आई जस्ट वॉन्ट टू एड वन थिंग, द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय अस डीडीए, जैसे रवि जी ने बोला, पहली बात तो on an as is where is basis unpe converse jo rights hain they will be conferred on them, very low rates of stamp duty 0.5% of prevailing in the case of plots of 100 square meters or below, 100 se 250 tak 1%, you see, so very limited, and income tax protection, and we will provide the social infrastructure. You have two choices, मैं आपको बताता हूं, यू हैव टू चॉइसेस। इलीगल इंक्रोचमेंट इज नॉट अ टर्म आई विल यूज, ये समस्या शुरू से आ रही है, देर आर रियल पीपल, पीपल लाइक यू एंड मी लिविंग देयर इन कंडीशंस व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज वर्दी ऑफ इक्विटी, सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विटी। इफ वी डू नॉट टेक दिस मेजर, तो ये जो 2008 में काम होना था और 2008 से अब तक होना था, 11 साल लग गए नहीं हुआ, तो अगर मान लो वो दिल्ली की सरकार अगले 5 साल लगा देती है, तो इज इट इन ऑर्डर, इज इट इक्विटेबल फॉर अस टू अलाउ आवर ओन सिटीजन्स टू लिव इन दो सब ह्यूमन कंडीशन इन अनसेफ स्ट्रक्चर, मेनी ऑफ विच फॉल, मेनी ऑफ देम डोंट हैव एक्सेस टू सुएज। सो आई थिंक इन टूडेज इंडिया व्हेन वी आर बिल्डिंग द न्यू इंडिया ऑफ मोदी जी, आई थिंक वी ओ इट टू दोज पीपल टू बिल्ड दिस स्ट्रक्चर। आप हम 1 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बना रहे हैं, हमारी अमृत स्कीम है, बाकी स्कीम्स है, विच विल इंश्योर दैट पीपल गो बाय द लेजिटिमेट रूट टू गेट प्रॉपर हाउसिंग।
Sir, I have a question to Mr. Puri. Yeah, sir, please just wait for the turn. Sir, this side. I have a question to Mr. Puri. Sir, there is a long pending ownership which has been accorded to the Press Club of India. Yes. That land is pending. All the dues have been cleared. Yeah. The loan ownership no, is not I, yet being transferred. Why question is there is liye hai. I mean, this is please, also please, land. Nahi, lekin wo nahi karenge. Suno. Ye question mere liye hai. Press conference ke baad chai peene ke liye upar aayi. Please, I have the next question. Yes, please. Please wait for your turn. Yes. Sir, question on BSNL and MTNL. मैं आपको मालूम नहीं. एक मिनट. वेंकट. एक मिनट. He is conducting the. आप. एक मिनट. My question to you is, I just, Hardeep sir, I just wanted to close the thread on the illegal colonies. Sir, while we get the argument about how people belonging to a section living below substandard conditions and stuff, does the same logic also applies to affluent colonies such as Sainik farms and others? Given that it has been mentioned here, these are large farmhouses which have been constructed there, and most of them are owned by retired bureaucrats, ministers, people who belong to a very affluent strata of the society. Yeah. So do you think the same logic also applies to colonies like Sainik farms? Yeah, let me be absolutely candid. Yeah. I use the word unauthorized in a general term, not illegal, because these people have general power of attorney. They bought it from someone. Somebody had the land. Put it aside. Yes, the logic does apply. Categorical answer. But we are at this stage dealing with those sections, which are those 1797 colonies, which are of the poorer section. We will address the other issue subsequently. But yes, the logic does apply and we will address it. 1 minute. You made a lot of listed out how to restructure. We are going to restructure the company. My question pertaining to BSNL, former telecom minister during UPA, misused his position and created a lot of huge losses. Belongs to DMK party, Mr. Dayanidhi Maran. What action your government is going to is pending for the last more than 7-8 years? You are only restructuring. How you are going to recover the losses of the BSNL? That is a separate issue. The prosecution side is addressing that. Some are pending in appeal. Some are properly being prosecuted. I take your point. Thank sir, you. What sir, what happens to the debt of BSNL MTNL? Sir, ek chota clarity. BSNL MTNL. Total the number aapne bataya. Kitni colonies hai jinko aap regularize karenge? 1797 is the total number you said. And 69 affluent colonies have not been included. And three more not included. 66 plus 3. 3. 69. So it is 1797 minus 69 years. Yes, 1797 to colonies hai jisko hum ab cover kar rahe hain. Hmm. This does not include jo 66 yes, jo affluent hai, usme teen aur bhi judi thi. Ab anybody wants, I will give you the names of these 69 separately. So what happens to the debt of BSNL MTNL? Please just wait for it. And also the debt, sir. देखिए मैंने आपको बताया कि 40,000 करोड़ का डेट है दोनों के ऊपर, तो उस डेट की रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी है. अभी हम 15,000 करोड़ का बकायदे सॉवरेन बॉन्ड रेस करेंगे जिसको सर्विस करेगा बीएसएनएल एमटीएनएल. उसके अलावा हमने आपको बताया कि लगभग 38,000 करोड़ का हम एसेट मोनेटाइज करेंगे. यह दूसरी बात हो गई. और जहाँ तक वीआरएस का सवाल है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज है जिसके बारे में मैंने आपको स्पेसिफिक डिटेल्स दिया था. जस्ट ए मिनट प्लीज, मुझे एक सवाल का जवाब दे देने दीजिए ना. ये गुजरात मॉडल ही है, उसमें थोड़ा ट्विक किया है जो काफी अधिक पॉपुलर हुआ है कई पीएसयू में. सर, व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर वीआरएस? जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुकिए तो सही. आप टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्यूजन इज 29,937 करोड़, तो मैंने बताया आपको, जिसमें 17,169 crores is on account of ex-gratia on VRS and 12,768 crore due to preponement of pensionary benefits. All this forms a part of the VRS package. Obviously, because as I told you, this Government of India infusion is over a period of time staggered. Similarly, loan servicing is also staggered.
Therefore, sovereign bond this year, 15,000 crore. We'll raise next year also. We'll look into it. Monetization asset, 38,000 crore in the coming 4 years. It is a part of the process. Mr. Yes. Prasad, just adding just to that minute, question. Yeah. Just... देखिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि यह संख्या 50% से ऊपर है Sir, just adding to that question on BSNL and MTNL, Sapna here, sir. Just one quick one on that. This 29,000 crore that you're talking about, is it going to be in tranches, number one? Also, this debt that you're talking about, 15,000 crore, so that is not going to reflect on the government's budget. Basically, it's going to be outside the budget. I told you that 15,000 crore shall be the sovereign bond, but shall be serviced by the BSNL and MTNL. Just a minute. The VRS package also, but all have to be staggered. It can be, that is a decision to be taken by the concerned bodies and their boards. I think let us maintain the corporate autonomy structure of these decisions. How they restructure, how wait, they... 1 minute, we are not... They can stagger it, they can do it like that. You will get complete detailed press release so that many of the... But one last and this, because we have to end. 1 minute. Unko mic dijiye. Aap puchiye na. So, sir, by when, because, you know, election is going to come in Delhi. So, by when people will start getting the first land title rights? Because that is going to be a huge poll issue. 2008 ke baad kahi chunav huye, or etc. This is not timed for an election, point one. मैं आपको बता रहा हूं कि जो 1797 कॉलोनीज है ईच वन ऑफ देम हैज ए रजिस्ट्रेशन नंबर और तीन जो हैं हमने ऐड की हैं तो 66 जो है सो 1797 माइनस 66 ऑन व्हिच दे हैव अ नंबर एंड दिस थ्री व्हिच हैव बीन एडेड ऑन डीडीए विल कंप्लीट द वर्क अब ऐसा है आज कैबिनेट डिसीजन हुआ है अगला जो पार्लियामेंट सेशन है व्हिच इज आई थिंक स्टार्टिंग ऑन 18th नवंबर To we'll bring the bill. We are bringing the bill. The bill is already been drafted. We will be finalizing through the consultative process. We'll bring the bill and DDA is beginning work immediately. Now, by when the earliest conferment would be, let me explain to you. We are obliged that for the unauthorized colonies which have come up to 2014, we will do that in a short period of time. Now, for which now the entire machinery, because DDA has to do it, we feel confident that DDA will be able to start the process straight away. And when this bill is passed, the process will actually mature. Sir, BSNL, MTNL पे सवाल है. Sir, उनको आप spectrum दे रहे हैं, 4G spectrum दे रहे हैं, 20,000 crore रुपए का. Network लगाने के लिए 60 से 80,000 crore रुपए और उनको और चाहिए होगा. तो वो पैसा कहाँ से आए? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूँ. ये सारी तो उनको मैंने कहा 2016 price पर वो देंगे ना. ये तो मैंने बताया आप. तो उसका पूरा वो इंतजाम करेंगे जब स्पेक्ट्रम उनको देंगे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उनको स्पेक्ट्रम दे रहे हैं नो उस तो आपको बताते हैं हमने ये भी कहा है कि जो उनके जरा सवाल करिए तो उत्तर सुना करिए प्लीज जब उनके ट्वेट टावर्स हैं उसको ऑप्टिमली यूज करें अभी वो 1,000 crore कमाते हैं इसको और आगे बढ़ाएं अपनी सेवाओं को और प्रोफेशनल करें ये सब वो करेंगे आप प्रकाश जी आज प्रकाश जी प्लीज आपसे प्लीज वेट फॉर द लास्ट क्वेश्चन नाउ प्रकाश जी प्लीज जस्ट जेंटलमैन विद द माइक दैट्स द लास्ट क्वेश्चन प्रकाश जी आज कैबिनेट बैठक में एनआईएस के डीएलएड को लेकर चर्चा हुई आज कोई ये विषय था नहीं और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है Friends, all the details will be available now in the PIB press releases. Yeah. Colonies identified है. Government of Delhi को चलो. उन्होंने ये करना था. उन्होंने नहीं किया. अभी तक company हम इसकी geo mapping करके बहुत जल्द इसको आपको result दिखा देंगे. Thank you very much, friends. Thank you. Please join for a cup of...